Let's take up exercise 6.3, question number 6. So in question number 6, we are given that in this figure, triangle ABE is congruent to ACD, and we have to show that triangle ADE is similar to ABC. So directly we are given, and two proofs are quite direct to us. So let us see the proof. जो गिवन है हम उसी से शुरू करते हैं. हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी. सो दिस गिव्स अस फर्स्ट टू अल्फाबेट. सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, सो आई हैव फर्स्ट टू अल्फाबेट्स, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी ई इज इक्वल टू सी डी. मेरे बहुत ज़्यादा काम की नहीं है क्योंकि मुझे वो ट्राइंगल ए डी ई में काम नहीं आएगी. एंड द कॉर्नर एलिमेंट्स दैट इज ए ई इज इक्वल टू ए डी. दीज टू थिंग्स आई गेट बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ऑलराइट, नाउ इफ आई जस्ट रीअरेंज देम एंड आई राइट, कैन आई राइट दिस एज ए डी इज इक्वल टू ए ई? इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. सो लेट मी नेम दिस एज वन एंड दिस एज टू. सो डिवाइडिंग 1 by 2, what do I get? I get AB upon AD is equal to AC upon AE. Now see carefully, AB upon AD is equal to AC upon AE, and also angle A is equal to angle A common, right? So I can say that AB is part of ABC and AD is part of ADE. So I can say that triangle ABC is similar to triangle ADE by SAS similarity rule. Okay, or you can write it the other way around, triangle ADE is similar to triangle ABC. ऑलराइट, और आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं कि यहाँ तक पहुँच के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी एंड देन एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज कॉमन बाय डबल ए रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो देर आर सो मेनी मेथड्स टू डू एनी सिंगल क्वेश्चन. यू कैन फॉलो एनी मेथड विच एवर कम्स टू योर माइंड और विच एवर यू फाइंड ईजी. ऑलराइट, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 सेज इन द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर, हमें दिए हुए ए डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स. तो ये तो हो गया डायरेक्टली हमारा गिवन. एंड वी हैव टू प्रूव अ फ्यू पार्ट्स. देर आर 4 पार्ट्स विच आई हैव टू प्रूव. लेट्स कंसिडर दैम 1 by 1. सो सबसे पहले हमारा गिवन क्या हो गया? गिवन हो गया ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये हमारा हो गया गिवन, राइट? हमने प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले हमने ये पार्ट प्रूफ करना है. लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट. ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी. तो ध्यान से देखते हैं, ए ई पी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इज सिमिलर टू सी डी पी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. सो जस्ट थिंक ऑफ टू मैचिंग पार्ट्स, दैट्स इट, राइट? तो ए ई पी में इसको एंगल 1 ले लीजिए और सी डी पी में इसको एंगल 2 ले लीजिए. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, एंड ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो बाय डबल ए रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. आई होप यू कैन डू द रिटन पार्ट. हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट. इन ट्राइंगल ए बी डी, नाउ ए बी डी इज दिस वन, ए बी डी एंड सी बी ई, सी बी ई. नाउ सी, वॉच वेरी केयरफुली, ए बी डी एंड सी बी ई. तो एक तो इनमें एंगल बी कॉमन हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया? कॉमन. और ए डी बी में इधर वाला एंगल, इसको आप 5 नाम दे दीजिए. और ए बी सेकेंड है हमारा सी बी ई, सी बी में इधर वाला एंगल, इसको 6 नाम दे दीजिए. सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 90 डिग्री ईच. ये भी डबल ए रूल से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हमारा काम खत्म. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. ए ई पी एंड ए डी बी, ध्यान से देखते हैं. ए ई पी और ए डी बी, इनमें मैचिंग पार्ट्स क्या बनेंगे? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. ए ए ई पी इज दिस वन अगेन एंड ए डी बी इधर वाला सारा. तो इसमें हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए आ गया कॉमन, और ए ई पी में एंगल 1 है और ए डी बी में एंगल 5 है 90 डिग्री ईच. अगेन दीज आर सिमिलर बाय डबल ए रूल. वेरी इजी क्वेश्चन. एंड द लास्ट पार्ट इन दिस इज
PDC, ये छोटे वाला, ये वाला, एंड BEC, सो आई थिंक यू कैन डू इट. कैन यू डू इट? PDC एंड BEC, एंगल C कॉमन, राइट? और PDC में ये वाला एंगल D, इसका हमने एंगल 2 नाम दिया हुआ है. तो एक तो हो गया यहाँ पे हमारे पास, एंगल C तो हो गया कॉमन, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन हो गया. और PDC में एंगल 2 और BEC में एंगल 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया 90 डिग्री ईच. अगेन बाय डबल ए रूल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. वॉट इट? सो आई होप सभी में डबल ए रूल लग रहा है. एक एंगल कॉमन आ रहा है, एक एंगल 90 ईच आ रहा है. तो ये सबसे आसान है हमारा रूल जब हमारे पास डबल ए रूल बन जाता है. लेट्स क्विकली गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फिगर नहीं दिया हुआ है. इट सेज ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. तो सबसे पहले तो हम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. इसकी फिगर हमें खुद बनानी है. सो लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ए बी सी डी हमने फ्री हैंड बना लिया. ये मैं हमेशा बताती हूँ, फ्री हैंड की प्रैक्टिस कीजिए. देन ई इज एनी पॉइंट ऑन ए डी प्रोड्यूस्ड. जब हमें कहा जाता है ए डी प्रोड्यूस, तो हमें ए डी को ही प्रोड्यूस करना है. हम डी ए की तरफ नहीं प्रोड्यूस करेंगे. ए डी प्रोड्यूस मतलब डी की तरफ प्रोड्यूस करना है. और ई इस पे कहीं भी पॉइंट है. ई इज ए पॉइंट एनी वेयर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया. फर्दर दे से बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ. मीन्स हम बी ई को ज्वाइन कर देंगे एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ. बी ई जहाँ सी डी को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट है एफ. नाउ हमारे को गिवन क्या हो गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें गिवन सिर्फ है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, दैट्स ऑल. ये जो पॉइंट है ई एफ वगैरह, इनके बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सिर्फ गिवन लिखते हैं मैथमेटिकल. बाकी प्रोड्यूस कर रहा है, कट कर रहा है, ये नज़र आ रहा है हमें. और टू प्रूफ क्या हो गया हमारा? टू प्रूफ बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है. टू प्रूफ हमारा हो गया है दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी. तो ये ए बी ई, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये वाला मैं हल्का हल्का शेड कर देती हूँ, इज इक्वल टू ट्राइंगल सी एफ बी. इसको मैं डॉट्स से देती हूँ. तो ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है. तो देखिए, मैंने एक आपको टिप बताई थी पिछले वीडियो में कि जब भी हमको ऐसे ऑर्डर दिया होता है ना, दैट ऑर्डर इज ऑलवेज करेक्ट. तो इससे हमें बड़ा हिंट मिल जाता है कि हमारे कौन से मैचिंग पार्ट बनेंगे. तो देखिए, एक तो ये तो हमें आइडिया हो गया कि एंगल्स की बात होगी इसमें, साइड्स की रेशियो की बजाय, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल्स इक्वल भी होते हैं, अल्टरनेट वगैरह भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो हम डबल ए रूल के लिए ट्राई करते हैं. ध्यान से देखते हैं ए बी ई और सी एफ बी. तो यहाँ से हमें हिंट क्या मिलता है? एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल सी. अब देखिए, वैसे शायद हमारे माइंड में ना आता, बट अब हमारे माइंड में आ गया. इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज द फर्स्ट मैचिंग पार्ट. क्योंकि हमें पता है ये हैं, बट इसका रीज़न हमें पता नहीं था. वो हमने जैसे ही फिगर में ध्यान से देखा तो हमें याद आ गया. आपको याद आया? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यू रिमेंबर दिस? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मैचिंग पार्ट. उसके बाद देखो, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ. यानी कि ये वाला एंगल, इसको मुझे नाम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं बी पे. और ये वाला एंगल, इसको मैं 2 नाम दे देती हूँ. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन क्या बन रहा है इसका? ऑल्टरनेट एंगल्स. अब वैसे चाहे मेरे को ना भी माइंड में आता, बट क्योंकि मुझे यहाँ से हिंट मिल गया कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए. इसी तरह हमें थर्ड एंगल की जरूरत नहीं है, बट एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा. ये भी ऑल्टरनेट से हो जाएगा वैसे, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है ना? ये क्यों ऑल्टरनेट हो गए? बिकॉज हमारे पास डी सी इज पैरेलल टू ए बी है. डी सी इज पैरेलल टू ए बी. डी सी और ए बी अगर पैरेलल हैं और ये है ट्रांसवर्सल, तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स. और ये ऑल्टरनेट हो जाते ए डी पैरेलल टू बी सी की वजह से. अगर हम ई और बी को लेते तो ए डी वुड हैव बीन पैरेलल टू बी सी, तो ये ऑल्टरनेट हमारे बन जाते बी ई ट्रांसवर्सल से. तो बस सिंपल, बाय डबल ए रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमारा काम हो गया. दैट्स ऑल, हैंस प्रूव्ड. गॉट इट? तो चलिए क्विकली हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9. ये हम क्विकली ले लेते हैं, बहुत ही आसान है. इट सेज इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स. प्रूव दैट दीज टू पार्ट्स आर, पहला पार्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन. गिवन है हमें कि एंगल, या आप लिख लीजिए कि पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए पी. ये हमें हो गया गिवन. या आप लिख सकते हैं एंगल एम इज
इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इंच, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रूव हमें करना है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेती हूँ टू प्रूव का। इट सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। तो ध्यान से देखिए, आप फिगर में, आपके सामने फिगर है ए बी सी ए एम पी। हम ऊपर कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी, हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। क्विकली बता दीजिए मुझे ए बी सी और ए एम पी में एंगल ए कॉमन, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हमारे पास आ गया कॉमन, और एंगल बी, ए बी सी का एंगल बी, इनफैक्ट आप इसे नाम दे दीजिए वन और टू। तो एंगल बी और एंगल वन यू कैन से इज इक्वल टू एंगल एम, और यू कैन से एंगल टू 90 डिग्री ईच, पूरा नाम भी लिख सकते हैं। सो बाय डबल ए रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट, हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट सेज हमें, सेकेंड पार्ट में हमें हमारा टू प्रूव है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, सी ए अपॉन पी ए, इसके कॉर्नर वाले अल्फाबेट्स अगर हम लें तो हमें सी ए ओवर पी ए मिल गया, एंड इज इक्वल टू बी सी ओवर एम पी, अगर नेक्स्ट टू अल्फाबेट्स ले लें तो बी सी ओवर एम पी मिल गया, हमारा काम हो गया, ये सीधा आ गया बाय सी पी एस टी, हैंस प्रूफ्ड, बात खत्म, दैट्स इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड वी हैव कवर्ड फोर क्वेश्चंस इन दिस। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।